हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप यहां पर अमेजन पे के अंदर जितना भी पैसा आप ऐड करते हो उस पैसे को आप बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो देखो भाई कुछ लोग कहां से पैसा कमाते हैं कुछ लोग कहां से पैसा कमाते हैं बट कई बार ऐसा ऑप्शन रहता है कि वहाँ पर आप अमेजन पे के अंदर या फिर गिफ्ट कार्ड के अंदर आप इसको एड कर सकते हो तो चलो मैं एक बार आपको अमेजन पे आपको दिखा देता हूँ कि उसके अंदर आपको यह भी दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर अपना जो पैसा उसको बैंक में ट्रांसफर कैसे किया जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मेरे इस चैनल पर आपको जो भी वीडियो वगैरह मिलेगी सबसे ज्यादा इसी पर वीडियो मिलेगी कि आप जो भी काम करोगे ना उसका पैसा आपको अमेजन पे के अंदर ही देखने को मिलेगा अभी भी आप मेरा जो पेमेंट हो यहां पर देती हूँ सताईसौ ग्यारह रुपए मेरा पर पड़ा हुआ है वैसे तो भाई पंद्रह बीस हजार रुपए हर महीने यहां पर पड़ा हुआ रहता है बट मैं इसको भाई बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेता तो। हूं अब भाई कैसे आपको इस पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है फोन पे गूगल पे पेटीएम के अंदर कैसे लेना बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट मतलब इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना नहीं तो फिर बाद में आप मुझे कमेंट ये मत करना कि भाई मेरा पैसा चुका है वो चुका है। फिर मैं भाई किसी की नहीं सुनूंगा तो अभी इसी इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ सुन लेना देखो दोस्तों अभी मैंने, एक डेढ़ महीने पहले एक बैंक में कैसे कर सकते हो वेबसाइट के बारे में बताया था जिस वेबसाइट से तो मैंने खुद भी मतलब एमेजन पे बैलेंस था उसको बैंक में ट्रांसफर किया था जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर मैं हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर जाता हूं अभी थोड़ा बैग जाता हूँ अभी ये देख लेता हूं पर लगभग मैंने समथिंग यहाँ पर बैंक में ट्रांसफर किया था वो अभी तारीख भी आ जाए

चौबीस अभी मैं अपने फोन पे एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और ग्यारह जून दो हजार चौबीस का जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट प्रूफ भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वेबसाइट का नाम भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों क्या नाम था और उसी वेबसाइट के नाम से मैं, मुझे जो पेमेंट था वो यहाँ पर मिल चुका था तो एक बार मैं यहाँ पर वैसे तो मुझे नाम तो उसका सही रियाज है कि राजबुक के नाम से था बट मैं क्या करता हूँ एक बार इसको ये चेक कर लेता हूँ भाई ग्यारह जून का वो चेक ही कर लेता हूँ मैं एक बार इसका जो पेमेंट प्रूफ है तो दोस्तों मैंने 11 जून को पेमेंट यहाँ पर निकाला था अमेजन पे का पैसा जब निकाला था तो यहाँ पर आप देखिए तो 11 जून को मुझे पैतालीस रुपए अपनी यूपीआई के अंदर यहाँ पर मिल चुका है समय भी आप देख लो लगभग नौ बजकर तिरपन मिनट पर, पर यहाँ पर मुझे मिला था और ये पैसा भाई मुझे पैंतालीस रुपए ही मिला था जबकि मैंने वहाँ पर ट्रांसफर किया था उनचास रुपये ट्रांसफर किया था तो भाई इसके अंदर कुछ चार्जेस वगैरह कट जाते तो आप भी इजिली यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो बट मैं आपकी बार जो वेबसाइट बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको पूरा तरीका समझाऊंगा दोस्तों कि इस पैसे को आखिर आप यूज में कैसे लग सकते हो देखो भाई काफी सारा फ्रॉड एंड काफी सारा स्कैम वगैरह चल रहा है कि आप किसी वेबसाइट से जो पैसा है उसको बैंक अकाउंट ले सकते हो लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कि है दोस्तों। अभी कल एक भाई ने मुझे कमेंट करके टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि आप ट्रांसफर कर सकते हो तो मैंने भाई सौ ट्रांसफर कर दिया बट तो मेरा जो पेमेंट है वो अटक चुका है तो भाई आप लोगों को करना क्या है आपको किसी भी वेबसाइट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना जो भी आपका पेमेंट है आपको अमेजन पे से ही आपको यूज करना पड़ेगा देखो भाई मैं भी खुद भी किसी का भी आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हो अपने बिजली का बिल जमा कर सकते हो या फिर फास्ट फास्टैग का जो रिचार्ज होता है देखो सात सौ रुपए का फास्टैग का मैंने रिचार्ज किया आप या फिर किसी कार के अंदर आप यहाँ पर रिचार्ज वगैरह कर सकते हो जो कि आप देख सकते हो भाई खुद यार तुमसे भी ज्यादा पैसा मेरे पास आता है फिर भी मैं भाई ट्रांसफर नहीं करता जैसे यहाँ पर ये मेरा खुद का बिजली का बिल है लगभग तीन हजार सत्तावन रुपए का अभी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ होम पर आता हूँ दोस्तों आज या फिर कल में मेरा जो बिजली का बिल है वो और देखो आज तारीख दिखा दू सत्रह सेप्टेम्बर दो तो भाई मैं करता क्यों पे बिल वाले ऑप्शन पर जाता हूँ अब जैसे मैं पे बिल वाले ऑप्शन पर जाता हूँ तो मेरा यहाँ पर बिल वगैरह होगा तो जैसे मैं एक बार इनको ओपन करके देख लेता हूँ यहाँ पर जो मेरा बिल है वैसे तो मैं अपने दोस्तों का भी बिल जमा करता रहता तो हूँ जिनका चार पांच दस पंद्रह हजार रुपये तक का बिल आता है ये मेरा देख सकते हो तो आप तेरह सौ छह रुपए का बिल है अभी एक सेकंड लगेगी आज का यह बिल है देखो अठारह तारीख का बिल है और आज तारीख हो चुकी है सत्रह तारीख तो अट्ठारह तारीख को तो ड्यू हो जाएगा आज का ये बिल यहाँ पर है दोस्तों तो मुझे करना क्या जैसे मैं यहाँ पर पे नाउ करेगा और ये अपने घर वालों से जैसे मुझे या तो कैश ले लूँगा या फिर वो डायरेक्ट भी वैसे भी पैसा यहाँ पर मुझे मिल जाता है कैश और मैं यहाँ पर पे कर देता हूँ दूसरा एक और मैं आप लोगों को बिल यहाँ पर दिखाई की कोशिश करूं तो लगभग पांच हजार से ऊपर ऊपर का एक मेरे पास बिल और पड़ा हुआ है तो मेरे मतलब बिल में यहाँ पर इसी प्रकार से पर काफी सारा बिल है मेरे पास एक मेरे में इसको कर लेता हूं अभी कौन सा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो ये आप देख सो तो लगभग साढ़े पांच हजार के समथिंग यहाँ पर पांच हजार चार सौ आठ रुपए का बिल अभी यहाँ पर ये कितनी तारीख है अट्ठारह तारीख को ये बिल है तो पांच हजार तो ये हो चुका और लगभग हजार रुपये से ज्यादा तो हो चुका है तो इस प्रकार से जो भी पेमेंट है वो इंस्टेंट में यहाँ पर मुझे कैश मिल जाता है फोन पे गूगल पे मिल जाता है या फिर कैश मुझे यहाँ पर मिल जाता है बिना जीएसटी का मतलब मतलब वो पूरा पैसा मुझे यहाँ पर देता है जैसे पांच हजार चारो आठ रुपए का है ना तो भाई वो पूरा पांच हजार चार सौ दस रुपए के समथिंग मुझे देंगे और कई बार मैं लेता भी नहीं हूँ दस पांच रुपए मतलब बीस मतलब पचास साठ रुपए तक का उनको डिस्काउंट वगैरह भी देता हूं तो भाई इस तरीके कि आप अपने को भाई यूज में ले लेना लेकिन कोई ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना भाई मैंने भी पैसा अटक चुका था तुरंत तुरंत डिलीट मारी थी मतलब तो पेमेंट था वो मुझे दिखाया था उसके अंदर मुझे तो पेमेंट मिल चुका था और वो कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं था फिर मैंने उस भाई से भी बोला कि भाई आप सबको पैसा आपको देना पड़ेगा तो कुछ कुछ लोगों को पैसा मिल भी चुका है बट कुछ लोगों को नहीं मिला और इसी वजह से वीडियो नहीं डाल रहा आप एमेजन पे बैलेंस को बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो यहां पर देखो काफी सारा तरीका मैं आपको बता दू मोबाइल रिचार्ज आप यहाँ पर कर सकते हो बिजली का बिल जमा आप यहाँ पर कर सकते हो आप यहाँ पर टिकट वगैरह यहाँ से आप कटा सकते हो दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ नीचे आकर बिजली का बिल जमा तो आप कर ही सकते हो उसके बाद सबसे मेन चीज भाई सिलेंडर बुक आप यहां पर कर सकते हो बिल जमा कर सकते हो और यहाँ पर और भी काफी सारा फास्टैग रिचार्ज आप यहाँ पर कर सकते हो तो काफी सारा ऑप्शन रहता है आपके घर के अंदर सिलेंडर होगा तो सिलेंडर हर महीने आप भरवाते होंगे या दो महीने से आप भरवाते होंगे तो भाई सिलेंडर आप खुद यहाँ पर ऑनलाइन बुक करके यहाँ से पैसा कटा दिया करो इंस्टेंट आपका पैसा कट जाएगा आपके घर के अंदर जितने भी आपका मोबाइल मतलब जो भी बंदा मोबाइल यूज करता है तो दस पंद्रह रुपये उनका डिस्काउंट देकर आप ही उनका रिचार्ज कर दिया करो ना ऑनलाइन यदि तुम पैसा मतलब अमेजन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करोगे जैसे मैं पांच सौ को बैंक में ट्रांसफर करूंगा तो मेरा लगभग पंद्रह बीस परसेंट तो यहाँ पर वो ले लेता है तो भाई पंद्रह परसेंट भी यदि वो लेता है तो लगभग पिछहत्तर रुपया या फिर दस परसेंट भी वो लेता है तो लगभग पचास रुपया तो वो वेबसाइट वाला खुद ही रख लेगा वैसे तो पूरा ही रख लेता है वो सला देता नहीं है बट आप मानकर चलो कि दस भी वो लेता है तो पचास तो वो खुद ही रखता है और साढ़े आपको देता है तो भाई इसी मतलब किसी का आप यदि पांच का रिचार्ज करते हो तो उनसे साढ़े ही लिया करो ताकि वो अगली बार भी आप ही से रिचार्ज यहाँ पर करवाए तो मैं तो भाई यही करता हूँ दस पांच रुपये वही डिस्काउंट उंट वगैरह दे देता तो, हूं और इंस्टेंट यहाँ पर जो पैसा है नहीं तो पर मुझे मिल जाता है जो कि देख सकते हो भाई पर मैं अपने खुद का मेरे घर के अंदर लगभग तेरह चौदह फोन है तो यही तरीका था दोस्तों अमेजन पे बैलेंस को कैसे यूज में किया जाता है बाकी आप किसी भी वीडियो पर ध्यान मत देना कि अमेजन पे बैलेंस को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा अब हो सकता है वो लालच के चक्कर में आपका दस पंद्रह रुपए तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा फिर उसके बाद तुम बड़ी अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे ना तो पहले जैसे मान लो मैं पचास रुपए ट्रांसफर किया हूं तो वो जल्दी से ट्रांसफर कर देगा एक दो घंटे के अंदर फिर तुम पांच सौ हजार रुपए यदि ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे तो फिर उस पैसे